नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां सौर्य को डांटता हुआ नजर आने वाला है करण, करण बोलता हुआ नजर आएगा कि राजवीर की मॉम अगर तुम्हें लाड़ चाप और तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही तो वो तुम पर तरस खा रही है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि तुम एक बिगड़े हुए और निहायत ही बदतमीज हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि पूरे परिवार के सामने किस तरीके से करण और सौर्य की एक दूसरे के साथ में कहा सुनी होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वहीं पर ही निधि इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रही है कि चलो फाइनली लूथरा परिवार की और इधर सौर्य की लड़ाई हो रही है, क्योंकि दोस्तों निधि चाहती भी यही थी। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी में और भी एक दिलचस्प मोड़ लेकर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से सौर्य बोलता हुआ नज़र आने वाला है निधि से कि अगर वो उसकी मम्मी राजवीर की मॉम मुझे अपने बेटे की तरह प्यार कर रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि राजवीर भी कहीं ना कहीं इस बार जो कि सौर्य को पसंद करता हुआ नज़र आ रहा है और समझाता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही प्रीता का होगा पूरे लूथरा परिवार के सामने आखिरकार आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक दिलचस्प मोड़ लेकर आने वाली है, जब कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी आता हुआ नज़र आने वाला है, जब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आने वाले हैं, क्योंकि प्रीता ये वही शख्स है प्रीता जो 20 साल पहले इस घर से इन लोगों ने निकाला था, लेकिन आज इन लोगों को प्रीता की ज़रूरत फिर से पड़ी है। लेकिन उस समय प्रीता और प्रीता की बहन सृष्टि पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था इन लोगों को, जो कि घर से सीधा सीधा प्रीता को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आप लोग जानते ही हैं कि आने वाले एपिसोड के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइज कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट के।